डिनर के लिए आए हैं, पूल में नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह मतलब नहाने के बाद आगे हम लोग डिनर के लिए, तो वहीं मम्मी को भी हम लोग लेके आए हैं। हाय हेलो, यहाँ आपको इंडियन खाना मिलेगा, इसीलिए तो आए हैं देखें। और ये हेलो, खाना कैसा लगा? अच्छा लगा था ना यहाँ का? हाँ, इसीलिए तो आया ना दोबारा, बहुत बढ़िया है खाना यहाँ का, और हाँ स्पेशली चाय, इसलिए खाने से पहले हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग चाय टी लवर है, तो पहले चाय हम लोगों ने ऑर्डर किया और खाना जैसा जो आता है आप लोगों को दिखा देंगे। ये आज हमारा डिनर होने वाला है, ये चिकन टिक्का और ये बटर नान तंदूरी रोटी, बटर नान तंदूरी रोटी और ये चिकन टिक्का। और यहाँ पे ये भेलपूरी वगैरह चाट वगैरह ऑर्डर हुआ था, तो मम्मी और ये भेलपूरी और चाट खाए। कैसा लगा भेलपूरी? बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा छोले भटूरे। सबसे तुमने छोले भटूरे ऑर्डर किया था ना, तो छोले भटूरे मैंने भी ट्राई करा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और आलू चाट, सारे इंडियन खाने बहुत अच्छा है। और आपको कैसा लगा मम्मी, क्या अच्छा लगा? वो भी में देखो, ये तो मैंने जैसे आलू चाट कैसा लगा आपके लिए, स्पेशली आलू चाट ऑर्डर हुआ था, लेकिन जैसे चटक हो गया, चटक। तो अभी हम लोग का ये डिनर होने वाला है, तो डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है, मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा मम्मी खाना? अच्छा लगा, आज का खाना बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा खाना? खाना तो मैं बताया ना, बहुत अच्छा है यहाँ का, आप लोग भी आना तो ट्राई कर सकते हो। ये तो फ्रेश लेम सोडा है, फ्रेश लेम सोडा भी यहाँ नहीं मिल रहा। अगर आप बाली में आकर कोई भी ऐसा चीज ढूंढ रहे हो जो इंडिया में मिलता है खाने पीने के मामले में, यहाँ मिल जाएगा, सब अच्छा मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में आज पता चला कि हम बाली में भी कितने इंडिया आए हैं, इंडिया पूरा इंडियन भर गया। हम लोग जब आए थे तो खाली था रेस्टोरेंट, बट अभी पीछे देख सकते हो पूरा भर गया। खाना आज अच्छे से हम लोग कंप्लीट हुआ, मतलब आज अच्छे से हम लोगों ने खाना खाया। और कल आज ही हमारे जैसे लास्ट है, कल के लिए कल निकल रहे हम लोग कोलकाता। तो चलिए वीडियो को होटल से कंटिन्यू करते हैं, होटल नहीं। तो हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे, यहाँ डांस हो रहा है जैसे कि देख सकते हो। और जब अपने विला में आ गई हूँ और डिनर के बाद क्या करूँ, डिनर तो आज का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, इनफैक्ट लंच भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों ने सेम रेस्टोरेंट में आज लंच एंड डिनर करा, प्लस चाय मुझे मिल गया। तो ये आज का डे का सबसे बेस्ट डे था। और आज की एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो आज की एक्टिविटीज़ में वाटर एक्टिविटीज़ जो था उसमें से मुझे पैरासीलिंग का जो था वो थोड़ा एडवेंचरस लगा, क्योंकि आज से मैंने पहले कभी नहीं करा था ये, तो ये आज मेरे लिए फर्स्ट, मतलब देखा है तो सब कुछ ही सब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन वाटर एक्टिविटीज की बात करूँ तो वो सबसे यूनिक भी था और एडवेंचरस भी था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल है लास्ट डे बाली हम लोग का, तो देखेंगे कल जैसा जो होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कल हम लोग का फ्लाइट है यहाँ से साढ़े तीन बजे का, तो हम लोग को विला 10 बजे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कल जल्दी उठना भी है प्लस वीडियो एडिट भी करना है। देखेंगे जैसा जो होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे ही। फ्रेंड्स, मैं अपना बस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं जैसे इन्जॉय करूँ बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जस्ट सो के उठे हैं और आज बाली में लास्ट डे हम लोग का, और आज ही हम लोग का ब्रेकफास्ट है, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट है, तो उसको आज इन्जॉय करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे बैक टू होम। और पूल का कुछ ऐसा नज़ारा है, इसी में मैंने कल ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में पूल में मैंने इंजॉय करा। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए चले गए, जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया ही था। तो पैकिंग शैकिंग वगैरह अभी करना है, जितने पैकिंग शैकिंग मतलब देख दो कपड़े इधर उधर है उसको अच्छे से समेट के रखना है, उसके बाद निकलना है। अभी हमें निकलना है 10 बजे, हम लोग को निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए। तो उठ तो गए हैं सुबह और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद वीडियो को मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से कंटिन्यू करूँगी। तो ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग अगर पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो ये लास्ट पूल को देख लेते हैं लास्ट टाइम आज, और ये विला वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विला रहेगा मेरा।
हॉलीडे अच्छे से इंजॉय हो गया, तो चलिए वैसे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट जब करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके का होता है और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फटाफट मैं अभी जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम। सो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हो मेरा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अभी आए थे, उन्होंने पूरा डेकोरेट कर रखा है, तो अभी जाएंगे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रेडी शेडी होकर फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, तभी जाएंगे पूल में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में देख सकते हो ये सारे जो कल हम लोग को प्रोवाइड करा था उन्होंने, वही सारे चीज़ें हैं। तो फटाफट फिनिश करते उसके बाद मिलते हैं, और फर्स्ट टाइम हमारा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट होगा, मतलब मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी फ्लोटिंग में फर्स्ट टाइम। ये फ्लोटिंग, ये जो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट है बस दिखावा है, खड़े होकर पानी में, वैसे खाना अच्छा भी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं पानी में खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, तो हाँ फोटोज वगैरह के लिए बेस्ट है, आप करवा सकते हो, अदरवाइज टेबल पर बैठ के खाओ ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, और जैसे देख सकते हो आज का आउटफिट ये है, जो मैंने शॉपिंग करा था उसी में से एक ये भी है। तो अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और ये फ्लाइट तो वैसे हमारा 3:30 बजे का है, तो टाइम रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल के लिए हमें 4-5 घंटा पहले पहुँचना होता है। तो अब वीडियो को मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से कंटिन्यू करूँगी। और सो फाइनली हम लोग अभी अपने कैब में बैठ चुके हैं, और कैसा रहा मम्मी माली का ट्रिप? बाली का ट्रिप तो बहुत अच्छा था। सब लोग बोल रहे हैं कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। देखो, जहाँ एंजॉय करना था वहाँ किए हैं, जहाँ नहीं करना था वहाँ अपना शरीर देख के नहीं जा पा रहे थे। सबको बोल रहा मम्मी एंजॉय नहीं कर रहे, मोहित कितना करे मम्मी को, इतना तो सोचना चाहिए मम्मी बाली इंडोनेशिया आ गई हो क्या, कम है वही बात। तो चलिए अब डायरेक्ट वीडियो को मैं एयरपोर्ट से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि हमारा फ्लाइट है अब इंडिया के लिए 3:30 बजे के करीब में, तब मैं वीडियो को डायरेक्ट एयरपोर्ट से कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ के एयरपोर्ट देख सकते हो। सो फाइनली हम लोग का चेक इन वगैरह हो चुका है, इमिग्रेशन वगैरह भी हो चुका है, तो हम लोग अभी, तो सबको लग गया था बुक, इनफैक्ट हमको भी लग गया बुक, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी लिया है। क्या खा रहे हैं आप? फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज। तुम क्या खा रहे हो? रमेन। रमेन बोले थे? नूडल्स। यहाँ की लैंग्वेज में रमेन? नहीं नहीं, रमेन हमारे वहाँ भी मिलता है, नूडल्स है एक तरह का ये। अच्छा, और मैंने लिया अपने लिए कॉफ़ी, खाने के बाद जैसा जो होता है आप लोगों को। हम लोग का खाना पीना हो चुका है डन, और अभी हम लोग के फ्लाइट में काफ़ी टाइम है, तो हम लोग वही सामने अपने गेट के पास, हम लोग सामने जहाँ से हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, तो हम लोग अपने गेट के नंबर के पास आकर बैठ गए, और पीछे कुछ देख सकते हो सारे वेट कर रहे हैं। मम्मी वीडियो देख रही है, वो भी वीडियो में बिजी है, अब फ्लाइट में बैठ जाते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली हम लोग का टाइम हो चुका है बोर्डिंग का, और मम्मी आज अब घर चले जाएंगे। चले देखो, जाते जाते तो रात हो ही जाएगा। आपका पैर अच्छी है? हाँ भी ठीक है, लंबा टान पड़ जाता है चलने में ना, तब थोड़ा। तो अब डायरेक्ट हम लोग अभी यहाँ से बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक से फिर हमारा फ्लाइट इंडिया के, मतलब कोलकाता के लिए, तो डबल डबल ब्रेक करके जाना है, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ से इंडिया का। तो अब चलो जी, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है अब, तो वीडियो को मैं डायरेक्ट फ्लाइट से कंटिन्यू करती हूँ, फ्लाइट में बैठ जाते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अब टाइम आ गया है बाली को बाय बाय करने का, जैसा देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अच्छे से हम लोगों ने हॉलीडे इन्जॉय करा विथ फैमिली। चलिए फ्लाइट पर चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो बाली का एयरपोर्ट है, हमारा प्लेन भी लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ, घर की तरफ मतलब थाईलैंड, यहाँ से हमें जाना है, और चलते हैं प्लेन की तरफ, क्योंकि हमारा बोर्डिंग स्टार्ट वैसे हो चुका है। चलिए चलते हैं प्लेन से, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और विंडो से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, थोड़ी देर में अभी टेक ऑफ हो जाएगा ये एयर एशिया, और मेरा ये सीट
हमारा बाली से प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। सो बाय बाय बाली, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, देखते हैं कब कैसे क्या मिलेंगे। तो अभी मैं हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट हम लोग थाईलैंड में। तो जैसा जो अगर नज़ारा होगा दिखाने का दिखाएंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो बने रहिए। वैसे अगर नज़ारे की बात करो तो नज़ारा उतना खास कुछ देख नहीं रहा है, बस यही था दिखाने के लिए। और बातों बातों में लोग खाना भी आ गया, खाते हैं इंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोग साथ ही साथ इवनिंग भी होने को आया। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, नज़ारा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं इवनिंग का नज़ारा। और वैसे भी सिटीज़ दिखने लग गए, तो बैंकॉक हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। जैसा कि देख सकते हो नज़ारे की क्या ही बात करूँ, एक नंबर का नज़ारा है। और लैंड हो जाते हैं उसके बाद दिखाते हैं, तब तक आप लोग कुछ ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, फाइनली थाईलैंड लैंड कर चुके हैं। वीडियो पर बने रही, आप लोगों ने देखा ही आपका बहुत ब्यूटीफुल सब व्यू इन्जॉय किया ही होगा। तो एयरपोर्ट से लैंड हो जाते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जैसा जो आप लोगों को दिखाएंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा टाइम तो रुकना नहीं है, बस 2-3 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट कोलकाता के लिए। तब तक ये स्टे ट्यून्ड गाइस, जैसा जो होता है आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग बैंकॉक के एयरपोर्ट में, ड्यूटी फ्री, बहुत बहुत बड़ा एयरपोर्ट है एयरपोर्ट, बैंकॉक के एयरपोर्ट में। और ये देखिए रोबोट है यहाँ का, ऑटोमेटिक साफ सफाई कर रहा है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग। वाओ, तो फाइनली हम लोग थाईलैंड एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग का फ्लाइट 10:15 में है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी 7:30 बज रहा है। तो हम लोग को लग गया था वो, जैसा देख सकते हो पीछे मैगी है, बैंकॉक उतर रहे हैं। तो हम लोग अभी चिकन नगेट्स ऑर्डर किए, वही खाएंगे, क्योंकि मैगी का मुझे चिकन नगेट्स से ज़्यादा पसंद होता है। चिकन नगेट्स इन्जॉय करते हैं। हम लोग का फ्लाइट का टाइम हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाले 10-15 बोले मिस्टर निहाल। The last passenger on our ship flight FP180 तो फाइनली हम लोग फ्लाइट पर बैठ चुके हैं और टेक ऑफ होने का तैयारी हो रहा है। तो और अगर नज़ारे कुछ दिखाने के रहे तो दिखाएंगे, वरना मिलेंगे डायरेक्ट कोलकाता एयरपोर्ट में। और अभी बहुत रात भी हो गई तो सोने जा रहे हैं, मिलते हैं बाद। सो फाइनली हमारा थाईलैंड से भी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है और
बढ़ रहे हैं हम लोग कोलकाता की तरफ, तो बाय बाय बैंकॉक, कब मिलेंगे पता नहीं। तब तक आप लोग ब्यूटीफुल व्यूज़ इन्जॉय करो, और मैं तो जा रही हूँ सोने, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब डायरेक्ट कोलकाता में, तब के लिए बाय बाय।